नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ फाइनल ईयर के उन बच्चों से जो अभी लेने वाले हैं प्लेसमेंट्स। सो हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेसमेंट्स की कि क्या आप लोगों को प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और मतलब क्या क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में, क्योंकि अभी फिलहाल आईपी यूनिवर्सिटी बहुत सारे नोटिस निकाल रहा है और कॉलेजेस भी बहुत सारे ऐसे एक्सपो करवा रहे हैं, मतलब प्लेसमेंट एक्सपो जो कि होते हैं वो करवा रहे हैं, नई नई कंपनीज को अपने कॉलेजेस के अंदर लेके आ रहे हैं। सो इन्हीं सब के बारे में आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सो यार, अगर आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं और आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आप लोग इस साल पास आउट होने वाले हैं, मतलब 2023 के अंदर अगर आप लोग पास आउट होने वाले हैं और आप लोगों को चाहिए कोई अच्छी प्लेसमेंट और अच्छी कोई जॉब, ठीक है, सो आप लोग कोई भी तरीके की जॉब ले सकते हैं। तो आप जॉब ले सकते हैं या फिर आप इंटर्नशिप ले सकते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी आप लोगों को दोनों तरीके देता है, मतलब आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करवाता है और आप लोगों को प्लेसमेंट्स भी प्रोवाइड करवाता है, मतलब जॉब भी दिलवाता है। सो हाँ, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो आप उसके अंदर लग सकते हैं। एंड इसी के अलावा आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आपके पास बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज होती है। लेकिन ये देखते हैं सबसे पहले कि ये जो प्लेसमेंट्स हैं इसके अंदर आप लोग जा कैसे सकते हैं। सर देखिए, इनके दो तरीके हैं, या तो आप लोग डायरेक्टली अपने कॉलेज के थ्रू जा सकते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू जा सकते हैं, और एक और तरीका है जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इन दोनों तरीकों के बारे में हम बात करते हैं। सो जो पहला तरीका है आप लोगों का, आपके कॉलेज से आप लोग जा सकते हैं, डायरेक्टली प्लेस हो सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, वो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। आप कॉलेज के अंदर भी ना एक से दो तरीके होते हैं। सबसे पहला, जब आप लोग कॉलेज के अंदर पढ़ रहे होंगे, फाइनल ईयर के अंदर होंगे आपके, तो हाँ फाइनल ईयर के अंदर कंपनीज आती है, आपके पास नोटिस आने लग जाते हैं, आपके पास जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं वहां पे आप लोगों के डिटेल्स आने लग जाती है, नहीं तो कॉलेज के अंदर वहां पे नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखने लग जाता है, मतलब वहां पे टीचर्स लिख के लगा देते हैं कि हाँ आप लोगों की ये कंपनी आ रही है, वो कंपनी आ रही है। सो प्रॉपर वो आता रहता है और आप लोगों के कॉल पे इंटरव्यूज, ऑनलाइन इंटरव्यूज और ऑफिशियल ऑफलाइन इंटरव्यूज भी होते रहते हैं। सो ये सारे इंटरव्यूज देने के बाद या तो आप लोग सिलेक्ट हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते, यही दो चीजें होती है। एंड इसके अलावा अगर आप लोग पूछते हैं इसके अलावा भैया कौन सा तरीका है, सेकंड कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम कॉलेज से ही अपने ले सकते हैं प्लेसमेंट, सो उसके अंदर होता है आप लोगों का प्लेसमेंट एक्सपो। प्लेसमेंट एक्सपो हर एक कॉलेज करवाता है, जिसके अंदर आप लोगों को यह फायदा होता है कि आप लोगों को वेट नहीं कर रहा अगली कंपनी का कि आज एक कंपनी आई है, कल एक कंपनी आएगी, परसों आएगी, उसमें आपको वेट नहीं करना। एक ही बारी में उसमें 5, 10, 15, 20, 50 कंपनीज आ जाती हैं, जितना बड़ा कॉलेज उतनी ज़्यादा कंपनीज आती हैं। सो हाँ, मतलब 20 से 50 कंपनीज एक ही बार में, एक ही दिन में आती हैं, और ये प्लेसमेंट एक्सपोज जितने बड़े कॉलेजेस होते हैं वो डिफरेंट दिन के अंदर भी कराते हैं, मतलब वो एक दो दिन के अंदर भी कराते हैं, 3-4 दिन के अंदर भी कराते हैं कि जितने दिन के अंदर उनके इंटरव्यूज निपट जाए वो उतना दिन के अंदर इसको कंप्लीट करवाते हैं। सो हाँ, आप लोग या तो कॉलेजेस के अंदर नोटिसेस के द्वारा जा सकते हैं या फिर आप लोग जा सकते हैं प्लेसमेंट एक्सपोज के द्वारा। अब इसके अलावा आप लोग पूछते भैया हम लोग को अगर यूनिवर्सिटी से चाहिए, तो यार देखो, आप लोग डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के थ्रू भी प्लेसमेंट्स को ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी की अगर आप लोग वेबसाइट खोलेंगे आईपी यूनिवर्सिटी की, तो आप लोग को वहाँ पे नोटिसेस के अंदर जाना, नोटिसेस के अंदर आप लोगों को पता चल जाएगा बीबीए, बीकॉम, बीजेएमसी, बीसीए, बीटेक, आप कोई भी कोर्स के बच्चे हैं तो हाँ, अगर आप लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप लोगों के लिए वहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही है। सो आप लोग अगर उनको चेक करते रहेंगे डेली बेसिस पे, तो आप लोगों को पता चलता रहेगा कि नई नई कंपनीज वहाँ पे प्लेसमेंट देने के लिए आ रही है और आईपी यूनिवर्सिटी अपने नोटिसेस के अंदर उन नोटिसेस को निकाल भी रही है। सो आप यहां से भी प्लेसमेंट ले सकते हैं। अब आप लोगों ने कॉलेज से भी ले ली है, यूनिवर्सिटी से भी ले लिया, मतलब ले नहीं रहे हैं, आप लोग वहां पे ट्राई कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं भैया इसके अलावा कोई तरीका है तो बता दो। सो हाँ यार, इन दो तरीकों के अलावा, मतलब इन ऑफिशियल कैंपस प्लेसमेंट्स के अलावा भी आप लोग के पास एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट अगर आप लोगों को ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बढ़िया तरीका है प्लेसमेंट्स को लेने का। अगर आप लोग ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेते हैं तो आप लोगों के बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक तो आपको मिलेगी, और दूसरी चीज ये कम चांसेस होते हैं कि आप लोगों की सैलरी अच्छी होगी। अगर आप लोग ऑफ कैंपस लेते हैं तो वहाँ पे एकदम अपोजिट होता है, आपके चांसेस होते हैं कि हाँ आपको सिलेक्ट करा जा सकता है, और साथ साथ आपके वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपकी हायर सैलरी आपको मिलेगी, क्योंकि आप वहाँ पे किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कैंपस बेसिकली आप लोग समझ चुके होंगे, आप लोगों को अलग से अप्लाई करते रहे कॉलेज के साथ में, ऑन कैंपस तो आप अप्लाई करते रहिए, लेकिन ऑफ कैंपस मतलब अलग से साइड बाय साइड भी आप अप्लाई करते रहिए जो कंपनी में आपका मन करे उस कंपनी के अंदर। सो आप अप्लाई करने का वहाँ पे क्या फायदा होगा यार, देखो सबसे पहली बात तो आप लोगों को अच्छी सैलरी मिल सकती है, आपकी मनपसंद कंपनी मिल सकती है, आप लोगों को मतलब जहाँ जाना आप वहाँ पे प्लेसमेंट ले सकते हैं। सो ऑफ कैंपस के अलग ही फायदे हैं। एंड इसी के अलावा ऑफ कैंपस के लिए आप लोगों को बेसिकली चाहिए क्या क्या होता है, तो यार देखो आपके पास स्किल्स होने चाहिए जो भी वो कंपनी चाहती है। सेकंड चीज़, आप लोगों को काम आना चाहिए, वो जॉब प्रोफाइल आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप लोग मार्केटिंग के अंदर जा रहे हैं, मार्केटिंग करनी आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप लोग प्रोडक्शन के अंदर जा रहे हैं उसको संभालना अच्छे से आना चाहिए। फाइनेंस के अंदर जाने तो आप लोगों को अकाउंट्स हैंडल करने, बनाने आने चाहिए। सो हाँ, आप लोग उस जॉब प्रोफाइल के अंदर बहुत ही एक्सपर्ट होने चाहिए। एंड इसी के अलावा जो हमारा अगला चीज है, मतलब आपके पास स्किल्स होने चाहिए, आपके पास जॉब प्रोफाइल में मास्टर्स होने चाहिए या फिर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप लोग फ्रेशर्स हैं तो हाँ, कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करिए, एक दो साल इंटर्नशिप करिए, फिर आप अच्छे से जॉब के लिए अप्लाई करिए। सो ये सब चीज़ें होना जरूरी है। आप कहोगे भैया डिग्री तो यार ठीक है, डिग्री वो लोग नहीं मांगते आज के टाइम पे इतने ज़्यादा, डिग्री की वैल्यू बहुत कम है, इंस्टेड आपके पास स्किल्स है। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप लोगों को वो जल्दी हायर करेंगे, अगर आप लोगों के पास डिग्री है तो आप लोगों को
हायर तभी करेंगे जब आप लोगों को काम आता होगा। सो हाँ, आप लोग कुछ बेसिक स्किल्स सीख सकते हैं और इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोज भी बना रखे हैं कि स्किल्स आपके पास कौन से होने चाहिए। आप मेरी वॉली सीरीज भी देख सकते हैं कि आप बीबीए के बच्चे हैं तो आपको कौन से स्किल्स आने चाहिए, आप बीकॉम के बच्चे हैं आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए, आप बीजेएमसी के हैं तो आपके पास कौन से स्किल्स होने चाहिए, बीसीए कर रहे हैं तो कौन से स्किल्स होने चाहिए। सो बेसिक स्किल्स मैंने आप लोगों को उस वीडियोज के अंदर बता रखे हैं, वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग काफी अच्छी नॉलेज मैं इस वीडियो के थ्रू दे पाया होगा। अगर आप लोगों को नॉलेज मिली है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।